नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ हम साझा करेंगे अनगिनत कहानियाँ, रोमांटिक मोमेंट्स और जीवन के सुंदर सफर को। नेक इंसान की कहानी में एक नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, सब मिलजुल कर रहते थे, लोगों में एकता भी थी और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस गाँव में शंकर भगवान की एक बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के एक पुजारी थे जो बहुत ही त्यागी और सच्चे भक्त थे। वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते थे और मंदिर का देख भाल भी करते थे। शंकर भगवान उस पुजारी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते थे। एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा कि शंकर भगवान उसे मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने गया और पूजा करने के बाद ये खबर सारे गाँव में फैला दिया कि आज मंदिर में सभा लगने वाली है। लोगों ने जैसे ही खबर सुनी और कुछ ही घंटों में बहुत सारे लोग मंदिर में जमा हो गए। पुजारी ने सब लोग को अपने सपने के बारे में बताया। लोगों ने पंडित की बात सुन के चौंक गए और सब लोग ने शंकर जी को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कोई अनहोनी मत होने देना। जब भगवान की आरती हो गई, घंटी बजना बंद हो गई, प्रसाद लोगों में बांट दी गई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तभी मंदिर में से एक अजीब सी चमक आने लगी। जब पुजारी ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो एक सोने के परात था जो हीरे मोती से भरे हुए थे। उस रत्न की चमकने से पूरे मंदिर में रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। पुजारी ने जब उस परात को उठाया तो उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो सबसे सच्चा, दानी, पुण्यात्मा और दयालु होगा, उसी के लिए ये शंकर भगवान का उपहार है। पुजारी ने उस परात को उठाए और गांव के सब लोग को दिखाए और बोले कि यहाँ प्रत्येक बुधवार को सभा लगेगी और मैं ये परात हर एक व्यक्ति के हाथ में दूंगा, और जो लोग अपनी दयालु और पुण्यात्मा को साबित कर देगा तो ये परात उसका हो जाएगा। ये खबर चारों ओर फैल गया। खबर सुन के दूर दूर से तपस्वी, दानी, त्यागी और बड़े बड़े धर्मात्मा सब लोग मंदिर में आने लगे। एक आदमी बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं तो इतने सालों से सच्चे मन से व्रत रखता हूँ, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ, भगवान का उपहार तो मुझे ही मिलने वाला है। ये कहानी है एक नेक दिल इंसान की। उस आदमी ने मंदिर में गया, भगवान को प्रणाम किया और वही बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी ने हीरे मोती से भरे परात उसके हाथ में रख दिया और जैसे ही वो परात उसके हाथ में गया तो वह मिट्टी का हो गया। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और वह शर्मिंदा होकर घर चला गया, क्योंकि वो व्रत के नाम पर दिखावा कर रहा था। और जब पंडित के हाथ में वो परात आया तो फिर से सोने का हो गया और हीरे मोती चमकने लगे। फिर एक दिन बहुत बड़ा आदमी ने उस मंदिर में भगवान का उपहार को लेने आए। उन्होंने कई जगहों पर स्कूल, वृद्धा आश्रम, मंदिर आदि बनवाए थे और वो बहुत ही दानी थे। दान देने से लगभग अपना आधा कमाई दान में दे दिए थे। इसके वजह से लोग उनको दानी और बहुत बड़े लोग मानने लगे थे। वो भी मंदिर के अंदर आए, भगवान को प्रणाम किए और उनके हाथ में वो परात रखा गया, और जैसे ही वो परात उनके हाथ में गया तो मिट्टी का हो गया और वो भी लज्जित हो गए, क्योंकि वो अपना नाम को बड़ा करने के लिए दान कर रहे थे, क्योंकि नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता है। इस प्रकार रोज बहुत लोग आए लेकिन किसी ने उस सोने की परत को पढ़ नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वो मिट्टी का हो जाता था। 5-6 महीने बीत गए। इतने दिन में कितने लोग लोभ से मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे। मंदिर के पुजारी ने एक नियम बनाया कि हर सोमवार को जितने लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे उसके हाथ में ये सोने का परात रखा जाएगा। एक दिन उस मंदिर में एक बूढ़ा किसान भगवान का दर्शन करने आया। वह बहुत गरीब था, वह केवल भगवान के दर्शन के लिए आया था। वह मंदिर में जा ही रहा था तभी मंदिर के बाहर के एक आदमी को देखा और वो मंदिर के कुछ ही दूरी पर बैठा था। वो एक आंख का अंधा और लाचार दिख रहा था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। मंदिर में जितने लोग दर्शन करने आते थे उससे वो खाना मांगता था लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। बूढ़ा किसान ने उस आदमी को देखा तो उसे दया आ गई। वो उसके पास गया और वहीं पर बैठ गया। उसने अपने घर से पुराने कपड़े में थोड़ा चना लाया था। वो अपना चना उस आदमी को खाने को दे दिया। वो आदमी चना खाकर अपना पेट भर लिया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद बूढ़ा किसान ने मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान का दर्शन करके बाहर निकला तो पंडित जी ने उसके हाथ में सोने का परात रख दिया। और जब वो परात उसके हाथ में गया तो हीरे मोती दो गुने चमकने लगे। सब लोग चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तब पंडित जी ने कहा, जो निर्लोभ है दीनों पर दया करता है, जो दुखियों की सेवा करता है, बिना किसी लोभ के दान करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और वही सच्चा पुण्यात्मा है। इतना कहकर पंडित जी ने उस बूढ़े किसान से कहा कि यह भोलेनाथ का उपहार है, अब ये आपका हुआ। बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर चला गया। यहाँ अब नेक इंसान की कहानी खत्म होती है।
सारांश, दोस्तों इस नेक इंसान की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने के लिए कोई नेक काम करने की जगह अपने दिल से लोगों की भलाई करना चाहिए। आपको नेक इंसान की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।